हेलो, नमस्ते। आपके अनुरोध पर हम कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज हिंदी में बना रहे हैं और उम्मीद है आप को समझ में आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम के लिए जानकारी के लिए ये पूरक रूप में काम आएगा, सप्लीमेंट के रूप में। और मेरा हिंदी आप थोड़ा ध्यान से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो हम इसमें पेपर डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स पेपर को। तो हम अभी आज जो बताएंगे आपको, पब्लिकेशन एथिक्स क्या है और उसके डिफिनेशन क्या है और पब्लिकेशन एथिक्स में क्या क्या काम होता है और उसकी इम्पोर्टेंस बोले तो उसके औचित्य या भूमिका क्या है, ओके, इम्पोर्टेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्वपूर्णता क्या है, हम ये डिस्कशन करेंगे, ब्रीफली करेंगे। मैं निर्मल कुमार स्वाई, आपका टीचर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक, इंडिया। पब्लिकेशन एथिक्स, यू नो पब्लिकेशन क्या है? ऑब्वियसली एक ऑथर, रिसर्चर, जब आपने रिसर्च शोध कार्य कर लेता है किसी भी विषय में और वो चाहेगा, चाहना भी चाहिए, उसको मैं ऐसे प्रकाशन करूं, ओके, प्रकाशित करूं और प्रकाश लोगों को मैं बोलूं मैंने रिसर्च किया। सभी फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी में कोई लैब बेस्ड रिसर्च करता है, कोई फील्ड रिसर्च करता है, सोशल साइंस में कोई इमेजिनेटिव और यू नो स्पेकुलेटिव और इन ह्यूमैनिटीज रिसर्च करता है। सो ऑल द रिसर्चर रिसर्च रिपोर्ट्स शुड बी रिपोर्टेड टू द वर्ल्ड, यानी लोगों को बता जाना चाहिए, खासतौर पर हम जर्नल प्लेटफॉर्म्स में की संबंधित अभी बात करेंगे। यू नो पब्लिकेशन एथिक्स कहने से प्रकाशित नियमावली और प्रकाशित प्रकाशन आदि नीतियाँ, अगर आप कह सकते हैं नैतिकता, ठीक है, ये तमाम बातें को पब्लिकेशन एथिक्स कहेंगे। और एथिक्स आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ जब रूल बनाया गया है, पब्लिकेशन एथिक्स मीन्स हम जब भी प्रकाशन के लिए कभी किसी शोध पत्रिका हमने छपाएंगे और सबमिट करेंगे, उससे पहले ऑथर एक पार्टी बन जाता है। ऑथर जो लेखक होता है ये पहला पार्टी है, क्योंकि रिसर्च 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 किया है, जब वो रिपोर्ट करेगा तो वो उसी रिसर्च पेपर का ऑथर बन जाता है, या कुछ लोग मिलित रूप में ऑथर बन जाते हैं। ऑथर जब अपने रिसर्च पेपर लिखेंगे उस दौरान कुछ सतर्कता, कुछ नैतिकता पर रखे होंगे पेपर लिखने में, और वो नैतिकता स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअल डेटा, लेकिन खुद ही का लिखा हुआ, नकलबाजी नहीं, साहित्यिक चोरी नहीं, प्लेजरिज्म नहीं, डुप्लीकेट नहीं, ओवरलैपिंग नहीं, ओके। सो ऑल दीज जिसको अनैतिक विचारधारा कहते हैं पब्लिकेशन में, हमारा इसमें होना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। फिर हम सबमिट कर लें, सबमिट करेंगे जर्नल्स के लिए, क्योंकि जर्नल ऐसे होती है, किसी और वीडियो में आपको बताएंगे जर्नल्स क्या होते हैं, खासतौर पर उन्हीं बच्चों को जो ज़्यादातर जर्नल्स के बारे में देखे नहीं या पढ़े नहीं हैं। सो ये होता है फर्स्ट पार्टी, क्योंकि हम जर्नल के माध्यम से छपाएंगे। सो जर्नल यहाँ हो गया द्वितीय पार्टी, यानी जर्नल चार। जर्नल कहने से कोई एक व्यक्ति को नहीं समझता है, उसमें तमाम व्यक्ति जो है शामिल हैं जर्नल में, तमाम व्यक्ति शामिल है जर्नल में, जैसे कि एडिटर, एडिटर्स, एडिटर, एडिटर्स, और उसके बाद एडिटर, एडिटर्स, रिव्यूअर्स, यू नो ये सारी लोग उसमें शामिल है, और एडिटोरियल पॉलिसी भी होता है, ठीक है ना। जब भी किसी ने मेहनत करके रिसर्च किया, सबमिट किया, तो उसको कदर करना चाहिए, और आप एक फिक्स्ड एरियाज रखो, जैसे छपने के लिए मिनिमम 6 महीना, 8 महीना और 12 महीना कई बार लग जाती है, ठीक है ना।
तो आप बताएं, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होती है, उसके बाद 12 महीना लग जाती है, उसके बाद क्या हो ना, कुछ पॉलिसीज आपका क्लियर कट हो, ठीक है, जब मेहनत करके छपाया और तुरंत ये छपने लायक है या नहीं, तो इनिशियली भी कई बार जांच कर लेते हैं, तुरंत जो है ना, अगर ये छपने लायक है थोड़े बहुत, नहीं तो तुरंत वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो रिव्यूअर्स जो समीक्षक उनको भेजते हैं। तो जहाँ पे ऑथर्स का लिखा हुआ एफिलिएशन यानी स्थान और डेजिग्नेशन ये सभी नहीं रहता है, रिव्यूअर जो समीक्षक है वो उसको पता ही नहीं जो ऑथर कौन है, तो रिव्यूअर भी एक इंसान है, तो रिव्यूअर आपकी जो पेपर पढ़ेगा इसमें क्या कमी है, छपने लायक है कि नहीं, ये विचारधारा पर आपने उसको अपडेट कराइए और उसको बनाइए और उस पर कुछ और लिखिए, ये सभी बातें। तो वो भी कुछ रिव्यूअर्स बहुत शांतप्रिय होते हैं, बहुत इनकरेजिंग होते हैं, तो वो विचार करके वो लिख देते हैं जी दीज आर द थिंग्स टू बी इंक्लूडेड आफ्टर इंक्लूजन, ये सभी अपने अगर हमने संशोधन कर देते हैं तो जर्नल छपने लायक हो जाएगा। बट कुछ ऐसे है जो कुछ ऐसे हैं जो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि शायद उनका रिजेक्ट हुआ होगा तो उसी हिसाब से देखते हैं, या कई बार जेलसी एक फील होती है जे मैं तो इसी रिसर्च पर काम कर रहा हूँ, मेरे से आगे रिसर्च कुछ कर जाएगा, हो सके इंसान है तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, देन उसके बाद वो उसको वापस कर देते हैं, तो फिर मॉडिफाई होकर जब पहुँच जाता है वो टाइमली छप जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, ये सभी प्रोसेस इसीलिए सुर शांतिप्रिय रूप में हो गया और छप भी गया, क्योंकि हम सभी किसी ने भी आपने खुरापाती दिमाग नहीं लगाया, ठीक है ना, तो सभी हमने एक नैतिक, चाहे वो नैतिक लिखित हो या अलिखित हो, ठीक है ना, लिखित रूप में कुछ नैतिकता है, रिव्यूअर्स के लिए भी बताया गया, रिव्यूअर्स ये पॉइंट ध्यान देखें, दूसरा पॉइंट ना देखें ये भी बताया जाता है, बट कई बार कुछ होता है आपने नैतिकता, क्योंकि इंसान होते हैं तो नैतिक से वो नीति कार्य से वो जो नैतिकता कार्य है उससे वो हट जाते हैं, तो ये सभी सही रूप में हो गया, तो सो दैट एक एनकरेज होगा लिखने के लिए, मेहनत करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और रिसर्च को अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपाएं ताकि लोग देखें पढ़ें जो मेरा मेहनत क्या कहता है। आखिरी हिस्सा जो इसी लेक्चर सीरीज का, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इतना महत्वपूर्णता क्या है, यही बात हम बताएंगे। महत्वपूर्णता है क्योंकि रिसर्च की जो पर्यायवाची है, डिफरेंट पर्यायवाची हम यूज करते हैं, उसमें से एक दो पर्यायवाची ऐसे रिसर्च शोध कार्य बोले तो विकास, जो देश में रिसर्च नहीं है वो देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। इंडिया एक ऐसे देश है, कई बार लोग गरीब देश बोलते हैं, अभी भी हमारे टैग लगी हुई है विकासशील, विकसित देश में हम नहीं आते, बट फिर भी हम कितने रिसर्च लागत लगा, चंद्रयान के लिए हम जाने चाहते हैं, इतना बड़ी बड़ी रिसर्च लैब बनाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना रिसर्च में तो आपकी समस्या कभी समाधान नहीं होगा, ना आप कभी विकसित हो पाएंगे। रिसर्च के नाम अगर ऐसे है तो ऑब्वियसली तो ठीक ढंग से, उचित ढंग से एक अच्छे रिसर्च को अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, यू नो, ताकि और ये प्लेटफॉर्म अच्छे रिसर्च को खोज करने के लिए तो आपके जो जर्नल के लोग हैं, एडिटर्स, रिव्यूअर्स, सब एडिटर्स, ये सभी लोग जो है तैयार होनी चाहिए, अच्छे लेख है, हम उसका स्थान पहला दें, ताकि ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए और इसी विषय से संबंधित जो शोध करता है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। सो ये जो पब्लिकेशन एथिक्स आखिरी कंक्लूडिंग हिस्सा में मैं बता रहा हूँ, तो जो पब्लिकेशन एथिक्स है तो इसको अगर माने तो किसी भी तरह कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सभी लोग भी एनकरेज होंगे अच्छे रिसर्च करने के लिए। अगर अच्छे रिसर्च को हमने मौका नहीं देते हैं तो प्रोबेबली अच्छे रिसर्च रह जाएगा, पब्लिश नहीं हो पाएगा, और देर में पब्लिश होने का उसका कोई औचित्य नहीं है, ये इसीलिए इसका भूमिका इतना महत्वपूर्ण है, किसका,
पब्लिकेशन एथिक्स का। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक किए होंगे और टाइम टू टाइम इसी चैनल में निर्मल कुमार स्वाई जो यूट्यूब चैनल है तो उसमें कुछ इस तरह वीडियोज हम अपलोड करते रहेंगे। बाय देन, नमस्कार।